ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 568, क्लेरिफाइड ऑन 8 दिसंबर 2006 एट अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। ओम शांति। आज 14 जून 1967 का प्रैक्टिकल क्लास है। मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 14 जून 1967। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठे हैं। द ओनर ऑफ द गार्डन एज वेल एज द गार्डनर्स आर सिटिंग। और फूल भी है। एंड देयर आर द फ्लावर्स टू। What? ये रूहानी बगीचा है। This is the spiritual garden. कौन सा? Which one? अनंतपुर। अनंतपुर। यहाँ बागवान बापू भी बैठा हुआ है, फूल चुनने वाले माली भी बैठे हुए हैं। Here, the bagwan, the father, as well as the gardeners who select the flowers are sitting. माली होंगे तो फूल चुने हुए होंगे ना? If there is the gardener, the flowers would be selected, wouldn't they? और फूल भी बैठे हैं। And the flowers are also sitting. ये नई बात है ना? This is a new concept, isn't it? कैसे नई बात है? How is it a new concept? दुनिया में तो जड़ बाग होता है। In the world, there are inert gardens. उसके हद के माली होते हैं, हद का बागवान होता है। There are limited gardeners and limited bagwan for them. और जड़ फूल होते हैं, और यहाँ? And there are inert flowers. And what about here? यहाँ सब चैतन्य। Here, everything is living. चैतन्य बागवान, चैतन्य माली और चैतन्य फूल। There is the living bagwan, the living gardener, and the living flowers. तो नई बात हुई ना? So, it is a new concept, isn't it? कोई नया अगर सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या कहते हैं। इफ अ न्यू कमर लिसन्स टू इट ही विल से व्हाट डू यू से। बागवान, फूल आदि ये सब क्या है? व्हाट इज ऑल दिस बागवान, फ्लावर्स एंड सो ऑन। ऐसी बातें कब शास्त्र में तो सुनी नहीं। वी नेवर हर्ड सच कॉन्सेप्ट्स इन द स्क्रिप्चर्स एट ऑल। तुम बच्चे जानते हो कि तुम बागवान को याद करते हो? यू चिल्ड्रन नो दैट यू रिमेम्बर द बागवान। वो बागवान भी है और तुम्हारे जहाज का खेवैया भी है। ही इज द बागवान एज वेल एज द बोटमैन ऑफ योर शिप। नाव होती है ना? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बोट, इजंट देयर। तो नाव को खेने वाला होता है खेवैया। सो द वन हु रोज द बोट इज द बोटमैन। कोई छोटी नाव होती है, कोई बड़ी नाव होती है। सम आर स्मॉल बोट्स वाइल सम आर बिग बोट्स। अब यहाँ आए हैं, इसे विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने। नाउ ही हैज कम हियर टू टेक अस अक्रॉस दिस रिवर ऑफ द पॉइजन ऑफ वाइसेस। विषय सागर कहो। यू मे कॉल इट द ओशन ऑफ वाइसेस। ये दुनिया क्या है? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है। इट इज द रिवर ऑफ द पॉइजन ऑफ वाइसेस, द ओशन ऑफ वाइसेस।
इस विषय सागर से पार ले जाने वाला खिवैया बाप आया हुआ है। द बोटमैन द फादर हु टेक्स अस अक्रॉस दिस ओशन ऑफ वॉइसेस हैज कम। पार ले जाते हैं। ही टेक्स अस अक्रॉस। बाप कहते हैं। द फादर सेज कि पार जाने के लिए क्या करना है। What do you have to do in order to go across? पार ले जाने वाला तो आया हुआ है। The one who takes you across has certainly come. लेकिन इस विषय नैतरणी विषय वैतरणी नदी कहो विषय सागर की दुनिया कहो इसे पार ले जाने के लिए बाप पहली पहली क्या शिक्षा देते हैं? Nevertheless, call this the river of the poison of vices or the world of the ocean of vices. Which first lesson does the father teach in order to take you across it? क्या करो? What should you do? मुझे याद करो। Remember me. कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही डूब जाओ। It shouldn't happen that you drown in between. तो खिवैया को याद करो अपने को आप ही देखो कि हम कितनी दूर जा रहे हैं। So remember the boatman. Check yourselves. How far are we going? कितना अभी सतु प्रधान अवस्था तक पहुंचना है। To what an extent do we have to attain the सतु प्रधान स्टेज? आप ही देखो। Check it on your own. जितनी जितनी सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी समझेंगे कि हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। द मोर यू अटेन द सतो प्रधान स्टेज यू विल अंडरस्टैंड वी आर रिटर्निंग टू अवर होम। कहाँ तक हम पहुँचे? यू विल कम टू नो टिल वेर यू हैव रीच्ड। सारा मदार याद की यात्रा पर है। Everything is based on the journey of remembrance. जितना जितना याद की दौड़ी पहनेंगे उतना उतना इस विषय वैतरणी नदी से बुद्धि को दूर ले जाएंगे और बाप के पास पहुंचते जाएंगे। The more you race in remembrance, the farther you will take your intellect from this river of the poison of vices. And you will continue to reach the father. और इसकी निशानी क्या होगी? And what will be its sign? क्या हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं? That you are going far from this world? अपने बाप के घर शांति धाम नजदीक जा रहे हैं? इसकी क्या निशानी होगी? What will be its sign that you are going close to your father's home, the abode of peace? खुशी बढ़ती जाएगी। हैप्पीनेस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। क्या? व्हाट? कहाँ तक हम पहुँचे हैं पता चलेगा खुशी से। यू विल कम टू नो थ्रू योर हैप्पीनेस टिल वेयर यू हैव रीच्ड। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं और साथ करने की याद करने की उतनी उतनी उनमें खुशी चढ़ेगी। The harder someone works for making purusharth, for remembering the father, happiness will rise within them to that extent. जैसे स्कूल में परीक्षा के दिन होते हैं तो सब स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं। For example, during the days of exam in schools, all the students understand how much progress they have made. तो यहाँ भी ऐसे ही। It is the same here as well. हर एक बच्चा अपने को जानता है कि हम कहाँ तक खुशबूदार बच्चा हूँ। Each child knows himself. He knows how fragrant he is. बागवान आया हुआ है तो क्या देखेगा? When the bagwan has come, what will he see? एक एक बच्चे में दिव्य गुणों की खुशबू कहाँ तक फैली हुई है। He will see as to how much each child has the fragrance of divine virtues. ज्यादा खुशबूदार फूल होता है
तो दूर तक सुगंध छोड़ता है। द मोर फ्रेग्रेंट अ फ्लावर इज द फार्दर इट स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस। कितना खुशबूदार और को बनाता हूँ। चेक हाउ मच फ्रेग्रेंट डू आई मेक अदर्स। खुद भी खुशबूदार हो और दूसरों को भी दिव्य गुणों की खुशबू वाला बनावे, क्योंकि इस समय इस दुनिया में सभी बदबूदार कांटे हैं। यू योरसेल्फ्स आर फ्रेग्रेंट एंड यू शुड मेक अदर्स आल्सो इनटू द वंस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ डिवाइन वर्च्यूज। इट इज बिकॉज एट प्रेजेंट ऑल आर स्मेली थॉर्न्स इन दिस वर्ल्ड। कांटे माना What does a thorn mean? दुखदाई है। Sorrow giving. फूल माना? सुखदाई। A flower means joy giving. यहाँ गाया ही जाता है। Here it is certainly praised. ये दुनिया कांटों का जंगल है। This world is the forest of thorns. कांटों के जंगल में सब एक दूसरे को कांटा ही लगाते रहते। काम का त्राटा, क्रोध का कांटा। एवरीवन जस्ट कीप्स प्रिकिंग ईच अदर विद द थॉर्न ऑफ लस्ट, द थॉर्न ऑफ एंगर इन द फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। वो नई दुनिया है फूलों का बगीचा। दैट न्यू वर्ल्ड इज द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। उसका नाम है सत्ययुग। इट्स नेम इज सत्ययुग। सत्य की दुनिया। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ। और ये कांटों का जंगल है झूठ की दुनिया। एंड दिस फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स इज द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सिटी। मुसलमान लोग नई दुनिया को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। द मुस्लिम्स कॉल द न्यू वर्ल्ड द गार्डन ऑफ अल्लाह। ऊंचे से ऊंचे बाप का बाग बगीचा। दैट इज द गार्डन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर। समझते हैं कि वहाँ जन्नत में बगीचा है। They think that there is a garden there in Jannat. वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। Whoever goes there, खुदा gives him a flower. मन में जो भी कामना होती है वो अल्लाह ताला पूर्ण करता है। Whatever desire they have in their heart, Allah Ta'ala fulfills it. बाकी ऐसे तो नहीं है कि कोई फूल उठाकर दे देंगे। As for the rest, it isn't that he will pluck a flower and give. कोई फूल उठाकर देते होंगे क्या? Would he pluck a flower and give? क्या देते होंगे? What would he give? नई दुनिया में जावेंगे तो क्या देते हैं? What does he give to you when you go to the new world? है? नई दुनिया में जावेंगे तो खुशनुमा रूहानी फूल देते हैं। 21 जन्मों का साथ देने वाला फूल। When you go to the new world, he gives the fragrant spiritual flower, the flower that accompanies you for 21 births. जैसा जिनकी बुद्धि में है वैसा ही उनको साक्षात्कार होता है। What someone has in his intellect, he has visions accordingly. क्या? What? मुसलमानों की बुद्धि में जैसा होता है वैसा उनको साक्षात्कार होता है। The Muslims have visions of what they have in their intellect. यहाँ तुम बच्चों को साक्षात्कार पर कुछ भी न बता रहे हैं। Here, nothing of your children is based on the visions. क्या? What? वो तो बंदाओं का साक्षात्कार होता है। They have the visions of closed eyes. और तुम्हारा मदार है बुद्धि से, तीसरे नेत्र से जो तुम ज्ञान धारण करते हो उस पर सारा मदार है। And everything of yours is based on the knowledge that you imbibe through your intellect, through the third eye. भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन द पाथ ऑफ भक्ति दे गेट रेडी टू इवन बिहेव देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू हैव विजन्स। गला काट भी देते हैं
दे विल बिहेव देमसेल्व्स। मीरा को साक्षात्कार हुआ। मीरा हैड विजन्स। उनका कितना नाम है? शी इज सो पॉपुलर। वो है भक्ति की माला, अर्थात दुर्गति की माला। दैट इज द रोजरी ऑफ भक्ति, मीनिंग द रोजरी ऑफ डेग्रेडेशन। जो महान भक्त हैं, वो सब अभी दुर्गति को पाए हुए हैं। ऑल द ग्रेट डिवोटीज हैव डिग्रेडेड नाउ। बाप भी समझाते हैं। द फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्स। ये बहुत ऊंचा था, अभी बहुत नीचे बन गया है। ही वॉज वेरी एलिवेटेड एंड नाउ ही हैज बिकम वेरी लोली। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊंचा था सो नीचा बन गया। इट वॉन्ट बी सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट ही वॉज एलिवेटेड एंड ही हैज बिकम लोली। बाप समझाते हैं ये कैसे भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग। द फादर एक्सप्लेन्स हाउ द पाथ ऑफ भक्ति इज द पाथ ऑफ डिग्रेडेशन। भक्ति को आधा कल्प चलना है। भक्ति हैज टू कंटिन्यू फॉर हाफ अ साइकिल। और आधा कल्प में दुर्गति होती ही है। एंड देयर इज सर्टेनली डिग्रेडेशन फॉर हाफ अ साइकिल। क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। इट इज बिकॉज देयर इजंट द नॉलेज एट ऑल। इस चीज का ज्ञान नहीं। वॉट नॉलेज ढूंढते हैं? कर्मों की गति का ज्ञान भी नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, परमात्मा बाप का भी ज्ञान नहीं है, सारी सच चक्र का भी ज्ञान नहीं है। दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ एक्शन, द नॉलेज ऑफ द सोल, द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल द फादर, एज वेल एज द नॉलेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड साइकिल। है भक्ति दुर्गति राज। भक्ति इटसेल्फ इज द रूल ऑफ डिग्रेडेशन। तो भक्ति को फिर रंग कैसे समझे? वेदों आदि का तो बहुत मान है। सो हाउ वुड समवन कंसीडर भक्ति टू बी रॉन्ग? इन फैक्ट द वेदास एटसेट्रा आर हाईली ऑनर्ड। कहते वेद तो हमारे प्राण हैं। दे से द वेदास आर सर्टेनली आर लाइफ। अब तुम जानते हो कि वो वेद शास्त्र सब झूठे। नाउ यू नो दैट दोज वेदास एंड स्क्रिप्चर्स आर ऑल फॉल्स। क्यों झूठे? व्हाई आर दे फॉल्स? क्योंकि झूठे मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। इट इज बिकॉज दे आर रिटन बाय फॉल्स ह्यूमन बीइंग्स। इस दुनिया में जो भी मनुष्य हुए वो सब गिरती कला में गए। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हु हैव बीन इन दिस वर्ल्ड हैड द स्टेज ऑफ डिसेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज। मनुष्यों की बुद्धि पतित बुद्धि है। द इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज इम्प्योर। पतन की ओर जाने वाली है। इट गोज टूवर्ड्स डाउनफॉल। एक बाप ही ऐसा है जिसकी बुद्धि पतन की ओर जाने वाली नहीं है। देयर इज ओनली द वन फादर हुज इंटेलेक्ट डजंट गो टूवर्ड्स डाउनफॉल। कहाँ जाती है? वेयर डज इट गो? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं जाता। ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एट ऑल। जब जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता तो उसकी बुद्धि पतन की ओर जाने वाली हो नहीं सकती। When he doesn't come in the cycle of birth and death at all, his intellect can't be that which goes towards downfall. यहाँ तो भक्ति मार्ग है। Here it is the path of bhakti. और भक्ति मार्ग का कितना बड़ा झाड़ है। The tree of the path of bhakti is so big. ज्ञान का अर्थ तो तुम जानते हो। You do know the meaning of knowledge. ज्ञान माने बीज। नॉलेज मीन्स सीड। बीज छोटा सा होता है और उसका झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। द सीड इज स्मॉल एंड इट्स ट्री ग्रोज वेरी बिग। तो बाप जब आते हैं तो ज्ञान का बीज रोपण करते हैं। वेन द फादर कम्स ही सोस द सीड ऑफ नॉलेज। बीज माना सार। C
सीड मीन्स द एसेंस, झाड़ माना विस्तार, एंट्री मीन्स द एक्सपेंशन। झाड़ बड़ा हो जाता है तो भक्ति का पसारा हो जाता है। When the tree grows big, bhakti expands. और जब बड़ा भाजार परिपक्व होता है और उसमें बीज आता है, फल आता है, फल अपने को बीज से, वो बीज अपने को फल से डिटैच करता है तो उसमें सार आ जाता है। And when the big tree becomes fully developed and bears seeds, that is fruits, and when the seed detaches itself from the fruit, it contains the essence. Mana, tumhari bij rupi stage hai, saar rupi stage, aur baaki sab pasara hai. It means your seed form stage is the stage of the essence, and everything else is expansion. To kai mein tikna mushkil hai. What is difficult to stabilize in? बीज में टिकना सहज नहीं है। इट इजंट इजी टू स्टेबिलाईज इन द सीड फॉर्म स्टेज। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं तो जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते हैं तब समझ में आता है, ये तो बहुत सहज है। यस, व्हेन गॉड द फादर कम्स एंड टीचर्स द इजी नॉलेज एंड द इजी राजयोग, it is then that we come to know that it is certainly very easy. जो धारण करते हैं उनके लिए सहज है। It is easy for those who assimilate it. धारण नहीं करते हैं तो उनके लिए सहज भासता नहीं। Those who don't assimilate it don't feel it to be easy. तो तुम जान गए हो कि ज्ञान बीज है, झाड़ विस्तार। So you have come to know that the knowledge is the seed and the tree is the expansion. और भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं। In addition, they work so hard in the path of bhakti. जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। You have been doing bhakti for many births. प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। But you didn't attain anything at all. कितने मेले मलाखड़े आदि लगाते आए, धक्के खाते आए, उन मेले मलाखड़ों में स्नान करते करते और ही मेले मैले होते गए। यू केप्ट ऑर्गेनाइजिंग सो मेनी फेयर्स एटसेट्रा एंड सफर्ड ब्लोज। यू केप्ट बिकमिंग डर्टियर बाय बेदिंग इन दोज फेयर्स एटसेट्रा। अब ज्ञान से तुम कितना शुद्ध बनते हो। नाउ यू बिकम सो प्योर थ्रू नॉलेज। तुम कितने खुशबूदार बन जाते हो। यू बिकम सो फ्रैग्रेंट। तो ये तुम्हारा बगीचा है। सो दिस इज योर गार्डन। इस बगीचे में काटा तो किसी को नहीं कहेंगे। नो वन विल सर्टनली बी कॉल्ड अ थॉर्न इन दिस गार्डन। अगर विकार में कोई नहीं जाते होंगे तो कहेंगे इस बगीचे में कोई कांटा नहीं। इफ नो वन इंडल्जेस इन वाइसेस इट विल बी सेड दैट देयर आर नो थॉर्न्स इन दिस गार्डन। माना अगर विकार में जाते हैं तो जरूर इस बगीचे में भी कांटे हैं। इट मींस इफ समवन इंडल्जेस इन वाइसेस there are certainly thorns even in this garden. कांटे हैं तो बुद्धि में आता है कि ये सतयुग में जल्दी जाने वाले नहीं है। If there are thorns, it comes in the intellect that they aren't the ones who go to the golden age soon. कांटे तो कलयुग में होते हैं। In fact, there are thorns in the iron age. अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। नाउ इट इज द पुरुषोत्तम संगम युग। अगर पुरुषोत्तम संगम युग में है, ये बुद्धि में बैठा हुआ है, तो हम कांटे हैं या फूल हैं? इफ इट इज इन योर इंटेलेक्ट दैट यू आर इन द पुरुषोत्तम संगम युग
आर यू थॉर्न्स और फ्लावर्स? तब तो फूल होना चाहिए। यू शुड सर्टनली बी फ्लावर्स देन। यहाँ कांटा कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर डिड थॉर्न्स कम हियर? संगम युग में है, संगम युग में भी पुरुषोत्तम संगम युग में है, तो कांटे की कोई बात नहीं। When you are in the confluence age, and that too in the Purushottam Sangam Yug, there is no question of a thorn. अगर कोई कांटा बैठा है तो फिर वो अपने कोई नुकसान पहुंचाता है। If there is some thorn sitting, he causes harm just to himself. कांटा किसका होता है? Who incurs loss? जो कांटा बनता है उसी का घाटा होता है। The one who becomes a thorn himself incurs loss. क्योंकि ये इंद्र सभा है। It is because this is the court of Indra. इस इंद्र सभा में सब ज्ञान परियां होनी चाहिए। Everyone should be a fairy of knowledge in this court of Indra. अगर कोई पतिता आकर के बैठती है तो इंद्र का उसको अभिशाप लग जाता है। If someone impure comes and sits here, she is cursed by Indra. कहते हैं पत्थर बुद्धि बन गई। It is said she became the one with the stone-like intellect. भक्ति मार्ग में समझ लिया पत्थर बन गई, पत्थर की शिला बन गई अहिल्या। In the path of bhakti, they have considered that Ahilya became a stone, a rock. पत्थर की शिला बनने की बात नहीं है। It isn't about becoming a rock. बाप की सभा में संगम युग में अगर कोई पतित भिखारी बनकर के आकर के बैठता है और अपना पूरा पोता मेल भी नहीं देता है तो ऑटोमेटिक उसको अभिशाप लग जाता है। इफ समवन बिकम्स इम्प्योर विशियस एंड कम्स एंड सिट्स इन द फादर्स कोर्ट इन द कॉन्फ्लुएंस एज एंड डजंट गिव इवन हिज कंप्लीट पोता मेल ही इज ऑटोमेटिकली कर्स्ड। तुम तो सब ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। यू ऑल आर द फेरीज हु डू द डांस ऑफ नॉलेज। क्या? वॉट? बाप किनसे बातें करते हैं? हुम डज द फादर स्पीक टू? आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करते हैं कि विकार में जाने वाले देह अभिमानियों से बात करते हैं? डज ही स्पीक टू द सोल कॉन्शियस चिल्ड्रन और डज ही स्पीक टू द बॉडी कॉन्शियस वंस Who indulge in vices? आत्माभिमानियों से बात करते हैं। He speaks to the soul conscious ones. जो देह अभिमानी होकर बैठे उनसे तो बात ही नहीं करते। He doesn't even speak to those who are sitting being body conscious. तो तुम जो ज्ञान डांस करने वाली परियां हो उनके शास्त्रों में नाम भी गाए हुए हैं। उकराज परी नीलम परी आदि आदि। सो यू हु आर द फेरीज हु डू द डांस ऑफ नॉलेज आर ऑल्सो नेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स एज द टोपेस फेरी द सफायर फेरी एटसेट्रा। वो ही नवरत्न गाए जाते हैं। दे देमसेल्व्स आर प्लेस्ड एज द नाइन जेम्स। नवरत्नों की अंगूठी होती है ना? देयर इज द रिंग ऑफ नाइन जेम्स इजंट देयर। उनमें बीच में हीरा होता है। There is a diamond embedded in the middle. आसपास कम वैल्यू वाले आठ रत्न और भी होते हैं। And there are eight more gems with less value around it. तो वो रत्न गाए जाते हैं। So those gems are praised. परंतु ये रत्न कौन थे? जड़ रत्नों की बात है या चैतन्य आत्माओं की बात है ये कोई नहीं जानता। किसी को पता नहीं है। नो वन नोज वेदर इट इज अबाउट द नॉन लिविंग जेम्स और द लिविंग सोल्स। नो वन नोज इट। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ जानता है। मेनी थिंग्स आर प्रैक्टिस्ड इन द पाथ ऑफ भक्ति। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। कि ये अंगूठी पहनेंगे तो बहुत कल्याण हो जाएगा। They wear the ring of nine gems, thinking, we will be benefited a lot if we wear this ring. अब आप तो कुछ भी नहीं समझते। Well, they don't understand its meaning at all. बाप सिर्फ कहते हैं
द फादर जस्ट सेज, ये भक्ति मार्ग के पसारे की बातों में जाने की दरकार नहीं है, सिर्फ मुझे याद करो। क्या? यू नीडंट गो इन टू दीज डिटेल्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति, यू जस्ट रिमेम्बर मी। वॉट? नवरत्न में बुद्धि लगाने की बात नहीं है। इट इजंट अबाउट एंगेजिंग योर इंटेलेक्ट इन द 9 जेम्स। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी समझ मिली है। यू चिल्ड्रन हैव नाउ रिसीव्ड वाइस इंटेलेक्ट। तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र भी है। सो देयर इज ऑल्सो द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स इन योर इंटेलेक्ट। शास्त्रों में तो 84 के चक्र को क्या कर दिया है? What have they done to the cycle of 84 births in the scriptures? 84 लाख योनियों में डाल दिया है। They have increased it to 8.4 million species. मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को तो बाप ने समझाया है कि तुमने 84 लाख जन्म नहीं लिए हैं, तुमने तो सिर्फ 84 जन्म लिए हैं। The father has certainly explained to the very sweet, long lost and now found children. You haven't had 8.4 million births. You have had just 84 births. शास्त्रों में 84 लाख कह देते। They say 8.4 million in the scriptures. अभी तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। Now you have become तमो प्रधान from सतो प्रधान। अभी बाप आए हैं तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। Now the father has come to make you sato pradhan. कितना सहज है। It is so easy. भगवान वाच सिर्फ बच्चों के प्रति है। It is भगवानु वाच just for the children. माँ में कम याद करो। Remember me alone. क्या? What? औरों के प्रति भगवान वाच नहीं है। It isn't भगवानु वाच for others. न वो एक बाप को याद करेंगे। They won't remember the one father either. जो मेरे रूहानी बच्चे होंगे वो ही बाप को याद करेंगे। Those who are my spiritual children, they themselves will remember the father. कितने बच्चे हैं रूहानी बच्चे? जो संपूर्ण रूह बनते हैं, जिनमें विनाश होने के बावजूद भी देहवान नहीं रहेगा। How many children are the spiritual children who become a complete soul and who don't have body consciousness despite the destruction takes place? भले दुनिया का अंत हो, though the world ends, अंत तक वो ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे, they will reach such a stage till the end, चाहे अपने पुरुषार्थ से पहुंचे और चाहे धर्मराज के डंडे खा करके पहुंचे, लेकिन ऐसी स्टेज में पहुंच जावेंगे। कैसी स्टेज में? Whether they reach it through their own purusharth or by receiving the punishments of Dharmaraj, they will reach such stage. Which stage? कि आत्म की स्थिति को धारण कर लेंगे। They will attain the soul conscious stage. पक्की आत्मा बनेंगे, पक्का बीज बनेंगे, तो कितने जन्म लेने वाले बनेंगे? इफ यू बिकम अ फर्म सोल, अ फर्म सीड, द वन हैविंग हाउ मेनी बर्थ्स विल यू बिकम? 84 जन्म लेने वाले बन जाते। यू विल बिकम द वंस हु हैव 84 बर्थ्स। पक्की बीज बन जाएंगे। यू विल बिकम द फर्म सीड्स। 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यू विल बिकम कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। तो कितना सहज बात है कि मामे कब याद करो। सो इट इज सच एन इजी कंसेप्ट टू रिमेम्बर मी अलोन। गीता को सिर्फ पढ़ने मात्र से ये समझ में नहीं आएगा। यू वोंट अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग द गीता। क्या? व्हाट? क्या नहीं समझ में आएगा? व्हाट वोंट यू अंडरस्टैंड? जो ज्ञान भगवान बाप समझाते हैं वो गीता को पढ़ने से नहीं समझे, चाहे भक्ति मार्ग की गीता पढ़ लो और चाहे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता सुनाई जाती है जिसको कहते हैं मुरली, वो गीता पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने से समझ में कुछ भी आने वाला नहीं।
द नॉलेज दैट गॉड द फादर एक्सप्लेन्स यू वोंट अंडरस्टैंड दैट बाय रीडिंग द गीता वेदर यू रीड द गीता ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति और द गीता दैट इज नरेटेड हियर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स विच इज कॉल्ड द मुरली यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जस्ट बाय रीडिंग इट। ये समझ में आवेगा ही कि परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। यू वोंट अंडरस्टैंड एट ऑल दैट द सुप्रीम सोल स्पीक्स टू द सोल्स। बेसिक नॉलेज लेते थे तब ये बुद्धि में था कि सुप्रीम सोल पाप ब्रह्मा के तन में आकर के किससे बातें करते हैं और किससे बातें नहीं करते। व्हेन यू यूज्ड टू टेक द बेसिक नॉलेज When you used to take the basic knowledge, did you have it in the intellect, whom the Supreme Soul Father speaks to after coming in the body of Brahma, and whom he doesn't speak to? बैठे तो हुए बहुत। In fact, many are sitting here. उनमें सब धर्म की आत्माएं हैं। The souls of every religion are included in them. कम जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। There are the souls who have fewer births. पूरे 84 का चक्कर लगाने वाली आत्माएं भी है। देर आर ऑल्सो द सोल्स हु पास थ्रू द साइकिल ऑफ कम्प्लीट 84 बर्थ्स। पता कैसे लगे बाप किन से बातें करते हैं? हाउ विल यू कम टू नो हुम द फादर स्पीक्स टू? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। द फादर सर्टनली सेज आई स्पीक टू यू चिल्ड्रन। ये ब्रह्मा भी बीच में सुन लेता है। दिस ब्रह्मा ऑल्सो लिसन्स इन बिटवीन। क्या चलो सुन तो लेता है। वॉट वेल ही एटलीस्ट लिसन्स टू इट। 84 के चक्र में तो आ जाता है। ही सर्टनली कम्स इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स। कोई तो ऐसे है सामने बैठे रहते हैं और बुद्धि बाहर भागती है। इन फैक्ट देर आर सम हु सिट इन फ्रंट ऑफ द फादर But their intellect keeps running in the outside world. सामने बैठे बैठे नींद में आके लेती। They keep sleeping while sitting right in front of him. खुशी नहीं चलती है कि हमें पढ़ाने वाला कौन आया हुआ? They don't feel happy thinking who has come to teach us. बाप तो आत्माओं से बात करते हैं। The father certainly speaks to the souls. आत्मिक स्थिति में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको नशा चढ़ता है। द चिल्ड्रन हु स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज दे फील इलेटेड। कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी कि परमपिता परमात्मा बाप किससे बातें करते हैं। नो वन विल हैव दीज कॉन्सेप्ट्स इन देयर इंटेलेक्ट एज टू होम द सुप्रीम सोल फादर स्पीक्स टू। गीता वालों के पास जाओ उनकी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं। Go to those who study the Gita. They don't have anything in their intellect at all. क्या? What? जो अपन को गीता की अथॉरिटी समझते हैं, चाहे बाहर की दुनिया के गीता वाले हो चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के गीता वाले हो, वो समझते हैं मुरलियों का जितना ज्ञान हमारे पास है उतना ज्ञान किसी के पास नहीं। Those who consider themselves to be the authority of the Gita, whether the ones who study the Gita of the outside world or the ones who study the Gita of the Brahmin world, they think, the extent to which we have the knowledge of the Murlis, no one has it to that extent. वो अपन को गीता की authority समझते हैं। They consider themselves to be the authority of the Gita. तुम समझते हो उनकी बुद्धि में तो ये कुछ बातें है ही नहीं। You understand, they don't have these concepts in their intellect at all. सिर्फ उनकी संस्कृत में किताब है। They just have the book written in Sanskrit. क्या? What? हैं? उनकी संस्कृत में किताब है। They have the book written in Sanskrit. वो संस्कृत भाषा अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ होगा तो कुछ नहीं समझेगा। If someone hasn't read that Sanskrit language, he won't understand anything. अच्छा चलो कोई पढ़ा हुआ भी हो संस्कृत तो भी इन ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझे। अच्छा इवन इफ समवन हैज रेड संस्कृत
ही वोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज एट ऑल। हाथे की संस्कृत और बेहरी की संस्कृत क्या है? वॉट इज द लिमिटेड संस्कृत एंड द अनलिमिटेड संस्कृत? बेहरी की संस्कृत है, द अनलिमिटेड संस्कृत इज, संस्कृत माना सुधरा हुआ, संस्कृत मीन्स दैट विच इज रिफॉर्म। सुधरा हुआ कोई तब बनता है जब 7 दिन का कोर्स ले। समवन बिकम्स रिफॉर्म्ड व्हेन ही टेक्स द 7 डेज कोर्स। बेसिक नॉलेज में भी जब तक कोई ने 7 दिन का कोर्स नहीं लिया है तब तक कुछ भी नहीं समझ सकता। इवन इन द बेसिक नॉलेज अंटिल समवन हैज टेकन द 7 डेज कोर्स ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल। और एडवांस में भी जब तक 7 दिन की भट्टी नहीं की है तब तक कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। एंड इन द एडवांस नॉलेज टू अंटिल समवन हैज डन द भट्टी ऑफ 7 डेज नथिंग विल सिट इन हिज इंटेलेक्ट एट ऑल। वो पूरी किताब को याद कर लेते हैं। दे रिमेम्बर द एंटायर बुक इटसेल्फ। ये भी उनका एक धंधा हो जाता है। दिस इज ऑल्सो देयर ऑक्यूपेशन। क्या? वॉट? गीता का पाठ करना। टू रीड आउट द गीता। धंधा करना गीता पाठ का और अपना जीवन यापन करना। रीडिंग आउट द गीता फॉर देयर लाइवलीहुड। कोई एक बच्चे को कंठ करवा करके सिखा देते। दे मेक अ चाइल्ड लर्न इट बाय हार्ट। गीता और उनका थोड़ा अर्थ कंठ करवा देते। दे हैव हिम लर्न द गीता एंड इट्स शॉर्ट मीनिंग बाय हार्ट। फिर ढेर के ढेर लोग उनके पास आते जाते रहते। देन मेनी पीपल कीप कमिंग टू देम। इसको कहा जाता है कनरस। दिस इज कॉल्ड द प्लेजर ऑफ इयर्स। कनरस भक्ति मार्ग में तो है ही कनरस। देर इज सर्टनली कनरस इन द पाथ ऑफ भक्ति। यहाँ पर कनरस की कोई बात नहीं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कनरस हियर। बाप कहते हैं सिर्फ हे आत्मा हो मुझे बाप को याद करो। द फादर सेज ओ सोल्स जस्ट रिमेम्बर मी द फादर। कहते हे मीठे मीठे बच्चों क्योंकि यहाँ तो सब मीठे मीठे फूल ही आते हैं। He says, "Oh, sweet children, it is because only the sweet-smelling flowers come here." कांटा तो यहाँ कोई है नहीं। No one is a thorn here. हाँ, माया के तूफान तो आएंगे क्योंकि 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वो सामना करेंगे। Yes, the storms of Maya will certainly occur because the sinful actions that you have performed in 63 births will oppose you. माया ऐसी है जो झट फंसाई देती है। माया इज सच दैट शी एंट्रैप्स यू इमीडिएटली। फिर पछताते हैं अरे हमने ये क्या किया। देन यू रिपेंट थिंकिंग अरे व्हाट डिड वी डू। 14 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। It is the second page of the Vani dated 14th June 1967. बुद्धि में पश्चाताप होता है माया की चक्करी में आने से कि हमारी तो की कराई कमाई सारी चट हो गई। When you come in Maya's trap, you repent with your intellect, thinking we have lost our entire earning. ये बगीचा है। This is a garden. बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। देर आर वेरी नाइस फ्लावर्स टू इन द गार्डन। इस बगीचे में कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। सम आर वेरी फर्स्ट क्लास फ्लावर्स इन दिस गार्डन। जैसे मुगल गार्डन में बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरी नाइस फ्लावर्स इन द मुगल गार्डन। कहाँ है मुगल गार्डन? वेर इज द मुगल गार्डन? मुगलों का राज्य कहाँ चला? वेर डिड द मुगल्स रूल? इंडिया में मुगलों का राज्य चला। द मुगल्स रूल्ड इन इंडिया। मुगल शासन काल में मुगल गार्डन अच्छे अच्छे नवरत्न थे।
इन द रूलिंग पीरियड ऑफ द मुगल्स देर वॉज द मुगल गार्डन देर वर वेरी नाइस नाइन जेम्स उनकी ओर इशारा किया ही इंडिकेटेड देम क्या व्हाट अकबर के राज्य में कहते हैं नवरत्न थे इट इज सेड देर वर नाइन जेम्स इन अकबर्स किंगडम अभी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने जल गार्डन बनाई दिए नाउ दे हैव मेड अ नॉन लिविंग गार्डन इन फ्रंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन दैट इज प्रेसिडेंट्स हाउस उसका नाम रखा है मुगल गार्डन दे हैव नेम्ड इट द मुगल गार्डन सब मुगल गार्डन देखने जाते हैं एवरीवन विजिट्स द मुगल गार्डन यहाँ तुम्हारे पास तुमको कोई देखने आवे ये हो नहीं सकता इट इजंट पॉसिबल दैट समवन विजिट्स यू हियर क्या व्हाट तुमको कोई देखने आता है क्या डज एनीवन विजिट यू तुम्हारा तो चैतन्य फूलों का बगीचा तो भी तुमको देखने के लिए कोई आता ही नहीं इन फैक्ट योर्स इज द गार्डन ऑफ लिविंग फ्लावर्स स्टिल नो वन विजिट्स यू एट ऑल अब तुम कांटों को क्या मुख दिखा देंगे इन एडिशन व्हाई विल यू शो योर फेस टू द थॉर्न्स क्या व्हाट वो सब तो है कांटे और तुम जानने जा रहे हो फूल दे ऑल आर सर्टनली थॉर्न्स वेयर एज यू आर गोइंग टू बिकम फ्लावर्स वो तो छी छी है हा? दे आर सर्टनली डर्टी आंट दे गैंड भी है मूत पलीती कपड़ धोती इट इज ऑल्सो प्रेज्ड मूत पलीती कपड़ धोती मीनिंग ही वॉशेस द क्लोथ्स डर्टीड बाय द यूरिन ऑफ लस्ट सिखों में गायन है ना इट इज प्रेज्ड अमंग द सिक्स इजंट इट क्या गायन है व्हाट इज प्रेज्ड भगवान के लिए कहते हैं गुरु नानक के लिए समझते हैं कि वो सदगुरु था और सदगुरु ने मूत पलीती कपड़े धोए They say it for God. They think for Guru Nanak that he was the Sadguru. And the Sadguru washed the clothes dirtied by the urine of lust. अब इसका अर्थ क्या है? सो उनकी बुद्धि में नहीं. Well, they don't understand its meaning. कपड़ा किसको कहा जाता है? What is called a cloth? शरीर ही तो कपड़ा है. Body itself is a cloth. कुछ समझते नहीं जैसे गाते हैं पतित पावन सीताराम दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल दे सिंग सीताराम द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम सीता एंड राम हु प्यूरिफाई द इम्प्योर वंस परंतु उन्होंने पतितों को पावन कैसे बनाया ये कोई की बुद्धि में However, it doesn't come in anyone's intellect as how they purified the impure ones. और बोलो कि पतित पावन सीताराम कहते हो तो ये दुनिया पतितों की है या पावन देवताओं की है In addition, ask them, when you say सीताराम the purifier of the impure ones, is this the world of the impure ones or the pure deities? तो कहेंगे हाँ ये दुनिया तो पतितों की है सो दे विल से यस दिस वर्ल्ड इज सर्टनली ऑफ द इम्प्योर वंस फिर तुम पतित हो या पावन हो देन आर यू इम्प्योर और प्योर उन गुरुओं से पूछो आस्क दोस गुरुज तो अपन को पतित समझेंगे देन दे वोंट कंसीडर देमसेल्व्स टू बी इम्प्योर उनको गुस्सा लग जाएगा कि हमको पतित कहते दे विल गेट एंग्री सेइंग यू कॉल मी इम्प्योर अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते बच्चों को कहते भी हैं कि कोशिश करके अच्छे अच्छे फूल लाओ नाउ द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू चिल्ड्रन ही ऑल्सो टेल्स द चिल्ड्रन ट्राई एंड ब्रिंग वेरी नाइस फ्लावर्स जो अच्छे अच्छे फूल लावेंगे Those who bring very nice flowers,
इससे साबित होगा कि वो अच्छा फूल है लाने वाला। इट विल प्रूव दैट ही हु ब्रिंग्स देम इज अ नाइस फ्लावर। क्या? व्हाट? माना कांटे होंगे तो कांटा लावेंगे। इट मीन्स इफ समवन इज अ थॉर्न ही विल ब्रिंग थॉर्न्स। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी फूल होंगे तो अच्छे अच्छे फूल लावेंगे। इफ समवन इज अ नाइस पुरुषार्थी फ्लावर ही विल ब्रिंग नाइस फ्लावर्स। सब कहते हैं हम तो श्री लक्ष्मी नारायण को बरेंगे। एवरीवन सेज वी विल मैरी श्री लक्ष्मी नारायण। तो माना कि सब गुलाब के फूल हो गए ना। इट मीन्स एवरीवन इज अ रोज aren't they? सबका लक्ष्य है कि हम लक्ष्मी नारायण को बरेंगे। एवरीवन्स एम इज टू मैरी लक्ष्मी नारायण। एम ऑब्जेक्टिव तो है। दे डू हैव द एम ऑब्जेक्टिव। क्या है एम ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द एम ऑब्जेक्टिव? कि हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। वी हैव टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। वो यह सब सदा गुलाब के गुलाब जैसे बनकर के रहेंगे। ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। इट प्रूव्स दैट इट इज लाइक एवरीवन विल ऑलवेज स्टे एज अ रोज। इट इज बिकॉज एज इज द एम सो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। द फादर सेज टू द चिल्ड्रन अच्छा लेट देयर बी अ रोज इन योर माउथ। क्या? व्हाट? कि तुम अच्छी अच्छी बात सोचते हो, अच्छी अच्छी बात मुख से निकालते हो तो तुम्हारे मुख में गुलाब। यू थिंक गुड एंड स्पीक गुड थिंग्स सो लेट देयर बी अ रोज इन योर माउथ। सब पुरुषार्थ करके सदा गुलाब बनो। एवरीवन शुड मेक पुरुषार्थ एंड बिकम एन एवर ब्लूमिंग रोज। गुलाब बनाओ। मेक अदर्स टू इंटू रोजेस। स्वर्ग में जाने लायक जरूर बनना है। यू डू हैव टू बिकम वर्दी ऑफ गोइंग टू हेवन। और बनाना है, ढेर के ढेर बच्चे हैं। एंड यू हैव टू मेक अदर्स इंटू दैट देर आर मेनी चिल्ड्रन। प्रजा तो बहुत बन रही है। इन फैक्ट मेनी आर बिकमिंग द सब्जेक्ट्स। वहाँ नई दुनिया में होते ही है राजा रानी। देर आर सर्टनली द किंग एंड क्वीन देर इन द न्यू वर्ल्ड। सत्युग में तो वहाँ राजा रानी के सिवाय और कोई होते नहीं, सब प्रजा और बाकी राजा रानी। इन द गोल्डन एज देर इजंट एनीवन एल्स एक्सेप्ट द किंग एंड द क्वीन। ऑल आर सब्जेक्ट्स एंड एल्स देर आर द किंग एंड द क्वीन। वजीर नहीं होता है वहाँ? Isn't there a minister there? है? वहाँ कोई वजीर होता ही नहीं। There isn't any minister there at all. वजीर आज से वहाँ राय लेने की राजा को दरकार ही नहीं होती। The king doesn't need to take advice from the ministers and so on there at all. क्यों? Why? क्योंकि वहाँ नई दुनिया में राजा की खुद ही पवित्र बुद्धि। It is because the king himself has a pure intellect there in the new world. इस दुनिया में वजीर होते हैं। There are ministers in this world. समझते हैं हमारी अपवित्र बुद्धि है तो वजीरों से अच्छी राय लेकर के फिर अच्छा शासन करेंगे। They think we have an impure intellect, so we will take good advice from the ministers and rule well. अगर राजा वजीरों से ला राय ले ले तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? इफ अ किंग टेक्स एडवाइस फ्रॉम द मिनिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट? स्टूडेंट मिनिस्टर्स। राजा है लेकिन राय किससे लेता है? ही इज अ किंग बट फ्रॉम हुम डज ही टेक द एडवाइस? वजीर से। तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुआ? फ्रॉम द मिनिस्टर। देन Who is more intelligent? वजीर ज्यादा बुद्धिमान हो गया। The minister is more intelligent. वजीर रखते ही है राय देने के लिए। Ministers are kept just for the purpose of seeking advice.
अब वहाँ नई दुनिया में तो राय लेने की दरकार ही नहीं। Well, there isn't any need of taking advice there in the new world. Foundation बाप डालते हैं। The father lays the foundation. क्या? What? बाप जब आकर के तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चों से राय लेते हैं? When the father comes and teaches you, does he take advice from the children? है? बच्चों को बाप को राय देने की दरकार है? Do the children need to give advice to the father? नहीं। No. भगवान भगवती को भी राय देने की दरकार नहीं। There is no need to give advice even to God and Goddess. वजीर आज साहब होते हैं तब जब पतित बनते हैं। Ministers and so on are all kept when deities become impure. कब से पतित बनते हैं? Since when do they become impure? द्वापर युग से जब से पतित बनते हैं द्वैतवाद फैलता है, दो दो मतें होती हैं, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, ये द्वैतवाद फैलता है, तब वजीर रखने की दरकार पड़ती है। From the copper age, when they become impure, when duality spreads, when there are two opinions, two languages, two kingdoms, two religions and two clans, when this duality spreads, it is then that there is the need to keep ministers. दो धर्म हो? When there are two religions, तो फिर बुद्धि में कंट्रास्ट पैदा होगा। There will be a contrast created in the intellect. ये श्रेष्ठ या ये श्रेष्ठ? Thinking, is this one or that one elevated? ये अच्छा या ये अच्छा? Is this or that good? कौन अच्छा कौन खराब? Which one is good and which one is bad? तो बुद्धि मुगालते में पड़ जाती है। So, the intellect is confused. तो राय लेनी पड़ती है। Then, they need to take advice. भारत की बात है। It is about भारत। और कोई खंड नहीं जहाँ राजाओं को राजा माथा टेकते हैं। There is no other land where kings bow their head before other kings. क्या कहा? What was said? एक भारत खंड ही है जहाँ बड़े राजाओं को छोटे राजाएं जाकर माथा टेकते हैं। It is just the land Bharat where the small kings go and bow their head before the big kings. यहाँ ही दिखाया जाता है। It is shown here as well. ज्ञान मार्ग में पूजी। You are worship worthy in the path of knowledge. अज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग में सब पुजारी बन जाते। And all of you become worshippers in the path of ignorance, that is the path of bhakti. वो डबल सिर तार है और वो सिंगल तार धारी। They are double crowned and they are single crowned. बाप कहते हैं कि भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी खंड नहीं। The father says, no other land is as impure as Bharat. पवित्र खंड भी कोई नहीं है और भारत जैसा अपवित्र खंड भी कोई नहीं बनता। There is no land as pure and no other land becomes as impure as Bharat either. सब कहते भी हैं कि भारत में पैराडाइज था। Everyone also says there was paradise in Bharat. लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। There was the rule of Lord Krishna. बहिष्ठ था। There was बहिष्ठ। तुम इसके लिए पढ़ते हो। You study for it. अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया हुआ है। Now you have to become a flower. The bagwan has come. माली भी बैठे हुए हैं। The gardeners are also sitting. माली भी नंबर वार होते हैं। The gardeners are also number wise. जो गवर्नमेंट हाउस के माली होंगे। The gardeners of the government house. क्या? What?
गवर्नमेंट हाउस में जो बैठने वाले माली होंगे, संभालने वाले माली होंगे, उनकी ज्यादा तनख्वाह होगी या बाहर वालों की ज्यादा तनख्वाह होगी? द गार्डनर्स हु सिट इन द गवर्नमेंट हाउस एंड टेक केयर ऑफ इट, विल दे हैव मोर सैलरी और विल द आउटसाइडर्स हैव मोर सैलरी? ज्यादा तनख्वाह किनकी होगी? हु विल हैव मोर सैलरी? गवर्नमेंट हाउस में जो बैठे होंगे उनकी तनख्वाह जास्ती होगी। दोस सिटिंग इन द गवर्नमेंट हाउस विल हैव मोर सैलरी। यहाँ भी नंबर वाइज, दे आर नंबर वाइज हियर एज वेल। कोई अच्छे अच्छे माली हैं, बच्चे भी समझते हैं कि ये बगीचा है। सम आर वेरी गुड गार्डनर्स, द चिल्ड्रन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज अ गार्डन। कांटों का जंगल नहीं है, कांटे तो दुख देते हैं। It isn't the forest of thorns. Thorns certainly give sorrow. बाहर की दुनिया में तुम्हारी बुद्धि खपती नहीं? Your intellect isn't engaged in the outside world. बाहर की दुनिया वालों के साथ तुम्हारी पटती है क्या? नहीं पटती। Do you get along with the people of the outside world? You don't. बाप तो किसको दुख नहीं देते। The father certainly doesn't give sorrow to anyone. तुम्हारा बाप ही है दुख करता सुख करता। योर फादर इज डेफिनेटली द रिमूवर ऑफ सोरो एंड द गिवर ऑफ हैप्पीनेस। कितना मीठा बाबा है। ही सो स्वीट बाबा। तुम बच्चों को बाप के ऊपर लव है। यू चिल्ड्रन हैव लव फॉर द फादर। और बाप भी बच्चों को लव करते हैं। एंड द फादर ऑल्सो लव्स द चिल्ड्रन। ये पढ़ाई है। दिस इज द स्टडी। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में तुमको समझाता हूँ। द फादर सेज आई एक्सप्लेन टू यू इन प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि कहने की बात है कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। इट इजंट अबाउट सेइंग दैट गॉड द फादर टीचेस यू। ऐसे तो वो ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोज ब्राह्मिन्स आल्सो से द सेम। व्हाट डू दे से? कौन पढ़ाता है? Who teaches them? वो कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। लेकिन क्या उन ब्राह्मणों को भगवान पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल में? They say God teaches us. However, does God teach those Brahmins in practice? वो साबित कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल में उनको पढ़ाने वाला भगवान है। भगवान पढ़ाता है प्रैक्टिकल में या दीदी दादी दादा या गुरु लोग पढ़ाते हैं? Can they prove that it is God who teaches them in practice? Does God teach them in practice or do the didis, dadis, dadas and gurus teach them? Guru log padhate hain. The gurus teach them. Main practical mein yahan tumko padhata hu aur tum practical mein padhte bhi ho. I teach you here in practice and you also study in practice. Aur padh kar ke aur unko bhi padhao तो कांटा से फूल बन जाएंगे। इन एडिशन इफ यू स्टडी एंड टीच अदर्स एज वेल यू विल बिकम अ फ्लावर फ्रॉम अ थॉर्न। भारती महादानी गाया हुआ है। भारत इटसेल्फ इज प्रेज्ड एज द ग्रेट डोनर। अभी तुम कितने महादानी बनते हो? यू बिकम सच अ ग्रेट डोनर नाउ। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। यू मेक द डोनेशन of imperishable gems of knowledge. बाबा ने समझाया है कि आत्मा ही रूप बनती है और आत्मा ही बसंत बनती है। बाबा has explained the soul itself becomes रूप that is beauty as well as बसंत that is spring. क्या? What? रूप माना? What does रूप mean? याद की स्टेज जब अच्छी बनती है तो चेहरे पर रूहानियत आ जाती है। When you attain a good stage of remembrance, your face shows spirituality. उसको कहते हैं रूप। It is called रूप। और बसंत? And what about बसंत? बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू निकलती है। Flowers bloom in the spring season. There is fragrance all around. तो बसंत उनको कहा जाता है जिनमें दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई।
So, those who are full of the fragrance of divine virtues are called Basant. बाप भी रूप बसंत है। The father is also रूप बसंत। बाप रूप बन करके भी आता है और बसंत बन करके भी आता है। The father comes as रूप as well as बसंत। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है। He enters the body of ब्रह्मा। तो ब्रह्मा सु विष्णु तो क्या बन जाता है? So when ब्रह्मा becomes विष्णु what does he become? ब्रह्मा जब पुरुषार्थ पूरा होता है उसकी आत्मा की पढ़ाई पूरी होती है तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। When Brahma completes his पुरुषार्थ when the study of his soul is completed he becomes विष्णु from Brahma. तो क्या बन जाता है? रूप बनता है या बसंत बनता है? Then what does he become? Does he become रूप or बसंत? बसंत बन जाता है। He becomes बसंत। और तुम बच्चे क्या बन जाते हो? And what do you children become? तुम तो रुद्रमाला के मणके हो। You are certainly the beads of Rudramala. तुम्हारा मुखिया कौन है? Who is your head? रुद्र। तुम्हारा मुखिया है रुद्र। रुद्र रुद्र इज योर हेड। रुद्र कोई शिव का नाम नहीं है। रुद्र इजंट एनी नेम ऑफ शिव। क्या? व्हाट? शिव का नाम तो शिव ही है। वो रौद्र रूप धारण नहीं करता, विकराल रूप धारण नहीं करता। शिव्स नेम इज शिव इटसेल्फ। ही डजंट टेक ऑन अ फियरसम फॉर्म, अ फेरोशियस फॉर्म। वो तो सुख का सागर कहा जाता है। He is certainly called the ocean of happiness. तो सुख का सागर होगा तो विकराल भयंकर रूप धारण करेगा क्या? If he is the ocean of happiness, will he take on a ferocious and frightening form? तो तुम रुद्रमाला के मणके बनने वाले हो। तुम्हारा मुखिया रुद्र है। So you are going to become the beads of Rudramala. Rudra is your head. रुद्र है? तो रौद्र रूप धारण करता है। When he is Rudra, he takes on a fearsome form. तो सदा ही रौद्र रूप धारण करता है या सौम्य रूप भी धारण करता है? So, does he take on a fearsome form forever or does he take on a gentle form too? सौम्य रूप भी धारण करता है और रौद्र रूप भी धारण करता है। He takes on the gentle as well as the fearsome form. जब दुनिया का विनाश होता है when the destruction of the world takes place तो रौद्र रूप धारण करता है, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे वो आधार मूर्त जड़ों पे बैठे हुए ब्राह्मणों की दुनिया हो और चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो। Whether it is the world of the seed form souls, the world of the root form brahmins sitting on the roots or the outside world of 5 billion souls, he takes on the fearsome form. रौद्र रूप धारण करता है तो विकराल रूपधारी श्याम पाटधारी कहा जाता है। When he takes on the fearsome form, he is called the actor Shyam with the ferocious form. और जब लक्ष्मी नारायण जैसा बनता है तो सौम्य पाटधारी कहा जाता है। And when he becomes like Lakshmi Narayan, he is called the gentle actor. उस एक ही सोने का नाम रख दिया है श्याम और सुंदर। The same body has been named श्याम एंड सुंदर। सुंदर बनता है तो रूपवान दिखाई पड़ते हैं। When he becomes सुंदर he is visible to be handsome. तो बाप भी रूप बसंत है। So the father is also रूप बसंत। क्या? What? बाप रूप भी है और बसंत भी और माँ? The father is रूप as well as बसंत। And what about the mother? माँ क्या है? What is the mother? माँ रूप नहीं कही। The mother wasn't called रूप। क्या कहा? What was she called? बसंत। बसंत दिव्य गुणों की खुशबू वाली बनती है,
शी बिकम्स द वन विद द फ्रेग्रेंस ऑफ डिवाइन वर्च्यूज। इन बाप में तो सारा ज्ञान है। दिस फादर सर्टनली हैज द एंटायर नॉलेज। रूप का भी ज्ञान है, बसंत का भी ज्ञान है। ही हैज द नॉलेज ऑफ रूप एज वेल एज बसंत। वो रूप बसंत का रूप कौन सा है? विच इज दैट फॉर्म ऑफ रूप बसंत? इसे कहते हैं बाप दादा, अर्धनारीश्वर। इट इज कॉल्ड बाप दादा, अर्धनारीश्वर। क्या? वॉट? आधा स्त्री का रूप, आधा पुरुष का रूप। हाफ फीमेल फॉर्म एंड हाफ मेल फॉर्म। माने ब्रह्मा की सोल जो उसमें पार्ट बजाती है मात्र वात्सल्य का, वो है वसंत स्वरूप। इट मीन्स द सोल ऑफ ब्रह्मा हु प्लेस द पार्ट ऑफ मदरली अफेक्शन इन हिम, ही इज द फॉर्म ऑफ बसंत। और जो बाप पार्ट बजाता है शिव, वो है रूपवान पार्ट। एंड द पार्ट दैट द फादर शिव प्लेज इज द ब्यूटीफुल रूपवान पार्ट। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा। द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द ओशन ऑफ नॉलेज। वो तो अथॉरिटी है। He is certainly the authority. मनुष्य तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे ज्ञान की अथॉरिटी है। ह्यूमन बींग सर्टनली डोंट नो अबाउट दिस कंसेप्ट्स एज हाउ द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सागर एक बाप ही गाया जाता है। वन फादर अलोन इज प्रेज्ड एज द ओशन ऑफ नॉलेज। इसलिए गाया जाता है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और सारे जंगल को कलम बनाओ तो भी ज्ञान खूटने वाला नहीं है। He is praised that because even if you make the entire ocean into milk and all the trees of the forests into a pencil, this knowledge isn't going to exhaust. ये कोई पुस्तकों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? It isn't any knowledge limited to the books. Which knowledge? जो ज्ञान डायरेक्ट बाप बैठ करके सुनाते हैं वो पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। द नॉलेज दैट गॉड सिट्स एंड नरेट्स डायरेक्टली कांट बी मेड लिमिटेड टू द बुक्स। जो पुस्तकों का ज्ञान होता है वो उन गुरुओं के पास होता है। वो पुस्तकें पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर पब्लिक को ज्ञान सुनाते हैं। Those gurus have the knowledge of the books. They study the books and narrate knowledge to the public. वो शास्त्र रिफर करते हैं। कोई उनसे प्रश्न पूछने जाए तो शास्त्रों को रिफर करके फिर बतावेंगे। They refer the scriptures. If someone goes to ask them a question, they will refer the scriptures and answer. और बाप? And what about the father? बाप कोई शास्त्र को रिफर करके कोई प्रश्न का जवाब नहीं देते। बाप तो ज्ञान का सागर है। द फादर डजंट रिफर द स्क्रिप्चर्स एंड आंसर एनी क्वेश्चन। द फादर इज इनफैक्ट द ओशन ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रश्न होगा तो उनको शास्त्र रिफर करने की दरकार नहीं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज ही नीडंट रिफर द स्क्रिप्चर्स। तो अभी एक सेकंड में बाप से तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति पा सकते हो। नाउ यू कैन अटेन मुक्ति एंड जीवन मुक्ति इन अ सेकंड फ्रॉम द फादर। क्योंकि बाप का ज्ञान है अनलिमिटेड ज्ञान। इट इज बिकॉज द फादर्स नॉलेज इज अनलिमिटेड। तुमको जो मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति मिलती है वो भी अनलिमिटेड है। The mukti and jivan mukti that you receive are also unlimited. तुम्हारे पास कोई पंडित आदि आवे लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा पंडित है। If any pandit etc. comes to you, people will think he is a very great pandit. बहुत पढ़ा हुआ है, अथॉरिटी है। He has studied a lot. He is the authority. इनको सब वेद शास्त्र आदि इकट्ठे किए हुए हैं। He has learned all the Vedas, the scriptures, etc. फिर वो
जब शरीर छोड़ते हैं तो संस्कार ले जाते हैं छोटेपन से ही, फिर वो ही शास्त्र आदि अध्ययन करने लग पड़ते हैं। लेटर व्हेन ही लीव्स हिज बॉडी ही टेक्स अलोंग हिज संस्कार्स, ही स्टार्ट्स लर्निंग दोज वेरी स्क्रिप्चर्स सिंस हिज चाइल्डहुड। तुम तो कोई शास्त्र आदि पढ़ने की संस्कार नहीं ले जाते। यू सर्टनली डोंट टेक अलोंग द संस्कार्स ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा। क्या? व्हाट? तुम यहाँ शास्त्र पढ़ते ही नहीं हो, तो शास्त्र पढ़ने के नई दुनिया में संस्कार नहीं ले जाते हो। यू डोंट स्टडी द स्क्रिप्चर्स हियर एट ऑल, सो यू डोंट टेक अलोंग द संस्कार्स ऑफ स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स इन द न्यू वर्ल्ड। तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। यू टेक द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। क्या है पढ़ाई की रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी? है इतने विस्तार वाली पढ़ाई, उसकी रिजल्ट क्या होती है अंत में? व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ सो डिटेल्ड स्टडी? है मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा। आई एम एन इनकॉर्पोरियल, अ वॉइसलेस एंड एन ईगोलेस सोल। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी? When your study is over, फिर तुम्हारी नंबर वार रिजल्ट निकलेगी। Your results will be declared number wise. फिर जो नंबर की रिजल्ट निकलेगी वो ही पद पाएगी। Then the rank that you get as the result, you will receive the very position. वहाँ नई दुनिया में तुम कोई ज्ञान थोड़े ले जा रहे हो। You certainly won't take the knowledge there in the new world. जो वहाँ जाकर के कोई ये ज्ञान दूसरों को सुना दे। So that you would go there and narrate this knowledge to others. वो संस्कार ले जाते हैं। They take along their संस्कार। वो विद्वान पंडित आचार्य अपनी पढ़ाई, वेद शास्त्रों की पढ़ाई के संस्कार ले जाते हैं, तो छोटे पन में विद्वान आदि बन जाते हैं। Those scholars, pandits and teachers take along their संस्कार of studying the Vedas and scriptures. So they become scholars etc. in their childhood. जैसे शंकराचार्य। क्या? For example, there is शंकराचार्य। What? संन्यास धर्म का धर्म पिता शंकराचार्य, 8 वर्ष की उम्र में उनको सारे ही वेद शास्त्र आदि सब पंठ हो गए। The religious father of the sannyas religion, Shankaracharya, learned all the Vedas, the scriptures etc. by the age of 8. 8 वर्ष की उम्र में? By the age of 8. तो ये पढ़ाई उन्होंने कहाँ पढ़ी? So, where did he study that knowledge? उससे पूर्व जन्म में वेद शास्त्र आदि खूब पढ़े होंगे, तो बचपन से ही वेद शास्त्र आदि पढ़ हो जाते। He must have studied the Vedas and scriptures a lot in his previous birth. This is why he learnt the Vedas, the scriptures etc. in his childhood itself. यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है। Here, your study is certainly the ईश्वरीय study. इसे ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध नई दुनिया में मिलेगी। You will obtain the fruit of this ईश्वरीय study in the new world. ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो और अगले जन्म में जाकर के तुम बचपन से ही विद्वान बन जाओ, नहीं। इट isn't दैट यू वुड स्टडी हियर एंड बिकम अ स्कॉलर सिंस द वेरी चाइल्डहुड इन द नेक्स्ट बर्थ, नो। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। द फादर हैज एक्सप्लेन टू यू चिल्ड्रन, इवन माया इज नो लेस पावरफुल। तुम पढ़ाई पढ़ते हो ईश्वरीय और माया आसुरी तरफ तुम्हारा बुद्धि योग मोड़ देती। यू स्टडी द ईश्वरीय स्टडी एंड माया टर्न्स द कनेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट टूवर्ड्स द डिमोनियक साइड। माया को शक्ति है। माया हैज पावर। क्या? व्हाट? जैसे बाप को शक्ति है तुम्हारी बुद्धि को सदगति में ले जाने की, बुद्धि की सदगति होती है तो अच्छे संकल्प चलते हैं। जस्ट लाइक द फादर हैज द पावर टू टेक योर इंटेलेक्ट towards sadgati. When the intellect attains sadgati, you have good thoughts. और माया आकर के दुर्गति करती है तो बुद्धि में कैसे संकल्प चलते हैं? And if माया comes and brings about दुर्गति, what kind of thoughts do you have in your intellect? खराब संकल्प, विकारी संकल्प चलने लग पड़ते हैं।
यू स्टार्ट हैविंग बैड थॉट्स, विशियस थॉट्स। तो माया भी पहले बुद्धि को दुर्गति मिले जाती है। सो माया टेक्स द इंटेलेक्ट टुवर्ड्स दुर्गति फर्स्ट। और बाप भी आकर क्या करते हैं, बुद्धि को सदगति मिले जाती है। एंड वॉट डज द फादर ऑल्सो कम एंड डू, ही टेक्स द इंटेलेक्ट टुवर्ड्स सदगति। तो माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। सो इवन माया इजंट लेस पावरफुल। जैसे बाप शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। जस्ट लाइक द फादर इज ऑलमाइटी, सिमिलरली माया इज ऑल्सो ऑलमाइटी। माया को शक्ति है। माया हैज पावर। किस बात की? टू डू व्हाट? तुमको दुर्गति मिले जाए। टू टेक यू टुवर्ड्स दुर्गति। और बाप को शक्ति है तुमको सदगति मिले जानी। वेयर एज द फादर हैज पावर टू टेक यू टुवर्ड्स सदगति। परंतु माया की कोई महिमा थोड़े ही करेंगे। हाउएवर माया सर्टनली वोंट बी प्रेज्ड। है तो सर्वशक्तिमान। शी इज नो डाउट ऑलमाइटी। लेकिन माया की जो सर्वशक्तिमत्ता है दुर्गति मिले जाने की, उसकी कोई महिमा नहीं करता है। बट नो वन प्रेजेस हर ऑलमाइटीनेस ऑफ टेकिंग अदर्स टुवर्ड्स दुर्गति। वो तो दुख देने में सर्वशक्तिमान है। इन फैक्ट She is almighty in giving sorrow. और बाप सुख देने में सर्वशक्तिमान है। Whereas the father is almighty in giving happiness. तो महिमा कोई किसकी करेगा? So whom will someone praise? सुख देने वाले की महिमा करेगा या सुख देने वाले की महिमा करेगा? Will they praise the one who gives sorrow or the one who gives happiness? सुख देने वाले की महिमा करते हैं। They praise the one who gives happiness. 14th वाणी डेटेड 14/6/1967। बाप सुख देने में सर्वशक्तिमान है। द फादर इज ऑल माइटी इन गिविंग हैप्पीनेस। और माया दुख देने में सर्वशक्तिमान है। वेयर एज माया इज ऑल माइटी इन गिविंग सोरो। बाप का गायन होता है, माया का कोई गायन नहीं है। The father is praised, whereas Maya isn't praised at all. ये भी ड्रामा बना हुआ है। This drama is also preordained. तुम सुख उठाते हो तो दुख भी जरूर उठाना है। When you experience happiness, you also have to suffer sorrow for sure. क्या बात है? What is it? हम सुख बाप से उठाते हैं। We experience happiness from the father. बाप हमको सुख उठाने लायक बनाते। The father makes us capable of experiencing happiness. माना जीवन मुक्ति में ले जाते। It means he takes us towards जीवन मुक्ति। जीवन में रहते रहते हम 2500 वर्ष सुख भोगते। We experience happiness in life for 2500 years. वो हमको सुख में ले जाते हैं। He takes us towards the world of happiness. दुख क्यों उठाना है? Then why to suffer sorrow? बोलो। Tell me. तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो जरूर। When you experience happiness, you also suffer sorrow for sure. ये क्या बात है? What is it? सुख ही सुख क्यों उठा गए? Why shouldn't you experience happiness and just happiness? दुख क्यों उठाते हो जरूर? Why do you suffer sorrow for sure? नहीं। Student, when someone hasn't suffered sorrow, they have no value of happiness. No. वो ठीक है। It is all right. लेकिन दुख उठाते क्यों हो? However, Why do you suffer sorrow? जब बाप आया हुआ है तो सुखी ही उठाना चाहिए ना। When the father has come, you should experience just happiness, shouldn't you? Student, because of the color of the company. Yes. माया का पसारा ऐसा है कि बाप को भुलाई देती है
और अपने संगी साथियों का संग लगाए थे। The expansion of Maya is such that she makes you forget the father and applies the color of the company of her companions. तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। So you are influenced by them. उनकी प्रजा बन जाते हैं तो वो दुख देते हैं। When you become their subjects, they give you sorrow. तो हार ये जीत का ये खेल है। So this is the play of defeat and victory. क्या अगर माया से हार गए तो दुख उठावेगी? If you are defeated by Maya, you will suffer sorrow. और माया से जीत गए तो सुख उठावेगी? And if you gain victory over Maya, you will experience happiness. अभी माया से तुम्हारी लड़ाई है। Now you have a war against Maya. बाप से लड़ाई नहीं है। You don't have a war against the father. कोई कोई होते हैं कि माया के बन जाते हैं तो बाप से लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। है? बाप ऐसा है, वैसा है, भगवान नहीं है, शैतान है, उल्टा ही। There are some who, when they become Mayas, they start fighting with the father, saying, "The father is like this, like that. He isn't God. He is the Satan." They speak just the opposite. तो हार और जीत किन की है? So, whose defeat and victory is it? माया की नहीं, तुम्हारी। Student, Mayas, not Mayas, yours. तुम्हारी हार भी होती है, तो तुम्हारी जीत भी होती है। You are defeated as well as you gain victory. तो उस हार और जीत का भी पता होना चाहिए। So you should also know about the defeat and victory. क्या? What? हार का भी पता होना चाहिए और जीत का भी पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? You should know about the defeat as well as the victory. Otherwise, what will happen? है? क्या होगा? What will happen? अगर हार जीत का हमें पता नहीं होगा तो क्या होगा? What will happen if you don't know about the defeat and the victory? अरे हम फिर हारते ही चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम लड़के में जा रहे हैं। Then you will just keep being defeated. You won't even come to know that you are going into ditch. है? दुख में ही जाते रहेंगे। Student, how? You will continue to suffer only sorrow. अभी बुद्धि में आना चाहिए। Now it should come in your intellect. कि शिव बाबा आया हुआ है हमको जीत पहनाने के लिए। शिव बाबा has come to make us gain victory. माया जीत जगत जीत बनाने के लिए आया हुआ है। He has come to make us victorious over the world by making us victorious over Maya. पहले भी बाप आया था। The father had come earlier too. क्या करके किया था? What did he do after coming? बाप आया था। When the father had come. पहले भी आया था। कब पहले? He had come earlier too. When earlier? कल पहले आया था। Student, a cycle ago. Had he come a cycle ago? यज्ञ के आदि में नहीं आया था। Hadn't he come in the beginning of the yagya? पहले भी बाप आया था, नाम निशानी ही गुम कर दिया। The father had come earlier too. They removed his very name and trace. क्या? बाप का नाम निशानी ही गुम कर दिया। What? They removed the very name and trace of the father. ब्रह्मा की बुद्धि भी ऐसी बना दी। They made even Brahma's intellect such. कृष्ण बच्चे की भी बुद्धि ऐसी बन गई कि उनकी बुद्धि में भी यही नहीं रहा कि हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला यज्ञ के आदि में कोई गुरु था। The child Krishna's intellect also became such that he didn't have even this in his intellect that there was some guru who taught him in the beginning of the yagya. ये ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाने वाला कोई साकार में था, बिल्कुल भूल गई। There was someone in the corporeal form who taught this ईश्वरीय knowledge. He forgot it completely. अभी तो देखो गीता में कृष्ण का नाम दे दिया। Now look, they have added Krishna's name in the Gita.
गीता ज्ञान दाता साकार में ब्राह्मणों की दुनिया में किसको मानते हैं? Whom do they consider to be the giver of the knowledge of the Gita in the corporeal form in the world of Brahmins? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता ज्ञान दाता मानते हैं। They consider Krishna alias Dada Lekhraj Brahma to be the giver of the knowledge of the Gita. अब वो गीता ज्ञान देने वाला है या लेने वाला है? Well, is he the giver or the taker of the knowledge of the Gita? वो तो यकी की आज में ही साक्षात्कार में पहुंच गया। In fact, he was confused about the visions in the very beginning of the yagya. उनकी बुद्धि में बात बैठी नहीं। Their meanings didn't sit in his intellect. तो जिसने उनको समझाया वो ही तो हुआ बीज डालने वाला ज्ञान का। So, the one who explained to him, himself was the one who sowed the seed of knowledge. कृष्ण की महिमा है, सर्वगुण संपन्न सोना कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। Krishna is praised as complete with all the virtues, complete with 16 celestial degrees, completely non-violent and Maryada Purushottam, meaning the highest among all human beings in following the code of conduct. ये कोई शिव बाबा की महिमा थोड़ी हो सकती है? This definitely can't be the praise of Shiv Baba. क्या? शिव बाबा जो है, जो रुद्र में प्रवेश करता है, रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है, उसे सर्वगुण संपन्न कहेंगे। Will Shiv Baba, who enters Rudra, who takes on the fearsome form, the ferocious form, be called complete with all the virtues? वो गुणों से संपन्न बन जाए, देवता बन जाए, तो इसे दुनिया के असुरों का विनाश कौन करेगा? If he becomes complete with all the virtues, a deity, who will destroy the demons of this world? इनके आसुरीपन का संहार कौन करेगा? Who will destroy their demonic nature? शिव बाबा की सर्वगुण संपन्न ये महिमा नहीं करेंगे। They won't praise Shiv Baba as complete with all the virtues. क्या सब गुणों से संपन्न है? They won't say you are complete with all the virtues. क्या? What? इसलिए शिव को कहते हैं अवगुण, निर्गुण। This is why Shiv is called अगुण, निर्गुण, meaning the one without virtues. एक निर्गुण वालों की संस्था भी होती है। There is also an organization of virtueless, that is निर्गुण children. क्या? वो तो भक्ति मार्ग में होती है। What? It is certainly in the path of bhakti. भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? Where is it the yadgar of in the path of bhakti? है? भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है? संगत तो यहाँ भी कोई होती होगी। Where is it the yadgar of in the path of bhakti? Student of the confluence age. So there must be one here as well. निर्गुण बालकों की संस्था। The organization of virtueless children. क्या? What? उनमें गाते भी हैं, मुझे निर्गुण आ रहे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। They also sing, I, the virtueless one, have no virtues at all. You alone have mercy on me. शिव बाबा की सर्वगुण संपन्न ये महिमा कभी नहीं करेंगे। They will never praise Shiv Baba as complete with all the virtues. क्यों? Why? क्यों नहीं करेंगे? Why won't they praise him? क्योंकि वो देवता बनता नहीं। It is because he doesn't become a deity. जिसमें गुण है वो फिर अवगुणी भी होंगे। Those who have virtues will also become avguni, that is the ones with bad traits. शिव बाबा में न गुण है और न अवगुण है। शिव बाबा neither has virtues nor bad traits. वो तो जीरो है। He is certainly zero. क्या? माइनस भी नहीं और प्लस भी नहीं। He is neither minus nor plus. इसलिए बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। This is why the father's praise is completely different. तुम बच्चों के मुकाबले compared to you children जैसी तुम्हारी महिमा
जैसी देवताओं की महिमा वैसी बाप की महिमा नहीं हो सकती। कृष्ण तो साकार है। द फादर्स प्रेज कांट बी लाइक योर प्रेज और लाइक दैट ऑफ द डेटीज। कृष्ण इज सर्टनली कॉर्पोरियल। कृष्ण जो साकार है उनको निराकार थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण हु इज कॉर्पोरियल सर्टनली वोंट बी कॉल्ड इनकॉर्पोरियल। क्या व्हाट? ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया शिव ने, कृष्ण की सोल के द्वारा जो पार्ट बजाया वो साकार पार्ट बजाया या निराकार पार्ट बजाया? द पार्ट दैट शिव प्लेड थ्रू ब्रह्मा द सोल ऑफ कृष्ण, डिड ही प्ले द कॉर्पोरियल और द इनकॉर्पोरियल पार्ट? साकारी माँ का पार्ट बजाया। माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। उसको तो बीज डालना है, वो तो बीज रूप है। He played the corporeal part of the mother. The mother is corporeal and the father is incorporeal. He certainly has to sow the seed. In fact, he is the seed form. तो माँ को निराकार नहीं कहेंगे, कृष्ण बच्चे को भी निराकार नहीं कहेंगे। So, the mother as well as the child Krishna won't be called incorporeal. यूं तो बच्चे समझते हैं। As such, the children understand it. मतलब तुम जो बच्चे हो, बाप के बच्चे, डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हो, डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हो, क्या? इट मीन्स यू चिल्ड्रन द फादर्स चिल्ड्रन हु बिकम द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द फादर एंड टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर डायरेक्टली। व्हाट? अगले जन्म में वर्षा नहीं लेंगे? यू वोंट टेक द इनहेरिटेंस इन द नेक्स्ट बर्थ। किसे लेंगे? फ्रॉम होम विल यू टेक इट? डायरेक्ट निराकार से जो तुम बच्चे वर्षा लेते हो, तुम समझते हो कि हम तो आत्मा हैं। यू चिल्ड्रन हु टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द इनकॉर्पोरियल वन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट यू आर सर्टेनली अ सोल। है? हम साकार देह नहीं है, हम क्या है? यू आरंट अ कॉर्पोरियल बॉडी, व्हाट आर यू? हम आत्मा। यू आर अ सोल। अब ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो उनकी बुद्धि में था कि हम आत्मा हैं। Whereas when Brahma Baba left his body, did he have in his intellect that he is a soul? वो अपन को आत्मा समझ करके शरीर छोड़ा या देवान में आके शरीर छोड़ा? Did he leave his body considering himself to be a soul or did he leave his body in body consciousness? आत्मा में नहीं होके शरीर छोड़ा। Student by becoming soul conscious. Did he leave his body becoming soul conscious? अगर आत्मा अभिमानी बन के शरीर छोड़ा तो बाप के बच्चे बन जाए? Had he left his body becoming soul conscious, he would have become the father's child. आत्मा तो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेती है। The soul certainly takes the inheritance from the father directly. आत्मा बन के शरीर नहीं छोड़ा। He didn't leave his body becoming a soul. कुछ न कुछ देवान रहा। He had body consciousness to some or other extent. इसलिए वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं। This is why he doesn't take the inheritance from the father directly. निराकारी आत्मा बन जाए तो निराकारी बाप से वर्षा ले। Had he become an incorporeal soul, he would have taken the inheritance from the incorporeal father. उनकी बुद्धि में मरते दम तक एडवांस ज्ञान नहीं है। द एडवांस नॉलेज डिडंट सिट इन हिज इंटेलेक्ट इवन अंटिल डेथ। ओम शांति। ओम शांति।